आज हम विशेष ध्यान देंगे कि हमारा मन पूरी तरह से हल्का रहता हो, ऐसे ना हो कि हमने अपने सिर पर बहुत सारे बोझ रख लिए हों। चेक कर लें अपने को, कहीं हमारे सिर पर अनेक गठरियां तो नहीं रखी गई हैं कि हमसे चला भी नहीं जा रहा है, हमारी कमर भी झुक गई है। हम याद कर लें, जब भगवान सामने खड़ा होकर हमें कह रहा है, बच्चे अपने ये बोझ मेरे हवाले कर दो, तो हमें अपने बोझ बाबा को देने में क्या तकलीफ होती है? क्या हम अपने को बुद्धिमान कहेंगे कि भगवान बोझ मांग रहा है और हम दे ही नहीं रहे हैं? मनुष्य की ऐसी आदत हो गई है कि न तो वो इन बोझों को संभाल सकता है और न बाबा को देना जानता है, न देना चाहता है। बार बार उस चिंतन में अपने मन को भारी किए रखता है। लेकिन हमें तो फरिश्ता बनना है, फरिश्ता माना ही डबल लाइट, जिसके ऊपर कोई बोझ नहीं हो, मन पूरी तरह हल्का हो। मन को हल्का रखना ये बहुत बड़ी कला है। सभी लोग अपने मन को हल्का नहीं रख पाते, किसी किसी को तो छोटी बातें भारी कर देती हैं और वो मनुष्य उड़ नहीं पाता, उसका योग नहीं लगता है, एकाग्रता भंग हो जाती है। और जो मनुष्य देहधारियों में अटका हुआ है, जो कहीं भी अटक गया है किसी देहधारी के पीछे, उसकी गति तो अब संभव ही नहीं है। इसलिए अपने को अब कहीं भी अटकाना भी नहीं है। ये अटकाना बहुत बड़ा अज्ञान है, कई आत्माओं में दिखाई देता है, जो कहीं फंस गए, जीवन डिप्रेशन की ओर चला गया, मन निराशा से भरपूर हो गया, भगवान को अपना जीवन अर्पित करके फिर किसी और को जीवन अर्पित करने की इच्छा रखना महापाप होगा और ये दुर्गति का मार्ग होगा। इसलिए हमें बहुत हल्के हो जाना है और सारा दिन एक्सरसाइज करनी है। देखिए, हल्का होना एक तो ज्ञान बल से संभव है कि हम बोझ बाबा को दे दें, हम ड्रामा को जानते हुए पास को भुला दें और भविष्य की चिंताओं को भी छोड़ दें, क्योंकि भविष्य हमारा निश्चित है और भविष्य हमारा महान है और हमारा भविष्य तो भगवान के हाथ में है। लेकिन यदि हम रूहानी ड्रिल करते हैं तो भी हमारा चित्त हल्का हो जाता है, क्योंकि हमारी आंतरिक शक्तियां बढ़ जाती हैं और जिन छोटी बातों के कारण हम भारी हो रहे हैं, हमें एहसास होने लगता है कि ये बातें तो कुछ हैं ही नहीं, ये तो बहुत छोटी हैं, कहां हम और कहां ये बातें, कहां शेर और कहां कुत्तों का भौंकना, कहां शेर और कहां जंगल में कांटों का होना। क्या शेर जंगल के कांटों की परवाह करता है? हमें आभास होने लगता है कि हम इन बातों से बहुत महान हैं, बहुत ही ऊपर हैं। तो आइए आज सारा दिन हम इस स्पिरिचुअल ड्रिल की प्रैक्टिस करेंगे। पहले मैं आत्मा इस देह में अवतरित प्रकृति सिंहासन पर विराजमान स्वराज अधिकारी मन बुद्धि की मालिक, मैं राजा हूँ, निर्भय हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अच्छी फीलिंग के बाद अपने को ले चलेंगे सूक्ष्म लोक में। सामने बाप दादा है, बाबा के मस्तक में महाज्योति चमक रही है, बाबा दृष्टि दे रहे हैं और फिर बाबा का हाथ पकड़कर उनसे रास करेंगे, एंजॉय करेंगे प्रभु मिलन के सुखद क्षणों का।
इस अनुभव के बाद चलेंगे परम धाम और आत्मा बनकर बैठ जाएंगे सर्वशक्तिवान की किरणों के नीचे, कभी शांति के सागर की किरणों के नीचे, तो कभी पतित पावन के वाइब्रेशंस के नीचे। फिर वापिस आएंगे सूक्ष्म लोक में, बाबा को सामने देखेंगे, बाय बाय करेंगे, दृष्टि लेंगे और वापिस प्रवेश करेंगे अपनी देह में। एक बार बैठकर यदि 5 बार ये अभ्यास कर लिया जाए तो मन की एकाग्रता बहुत बढ़ जाएगी और योग करने में अति आनंद।